हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने एक और नई रेसिपी के साथ आए हैं, जो है हरे भरे मूंग दाल पकौड़े। ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्रंची होते हैं। देखिए, इसके देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो खाने में तो कितना मज़ा आएगा। ये देखिए कितने बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे, जिसमें हम एक कटोरी माप से एक कटोरी मूंग दाल ले लेंगे। छिलके वाली मूंग दाल लेना है और इसे हम सादे पानी से धो लेंगे। और सादे पानी से धोने के बाद इसमें हम बॉयल पानी से इसे भिगो कर रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार में इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर मिक्सी जार में डालकर हम इसे पीस लेंगे। इसे पीसना थोड़ा सा दरदरा है, तभी इसका स्वाद अच्छा आता है, क्रंची क्रंची सा। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। कटा हुआ प्याज डालने के बाद इसमें हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। हरे धनिया के बाद हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक डाल देंगे, चाहे कूट के डालें चाहे किस के डालें। और उसके बाद हम 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे, हल्दी पाउडर का थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर से इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसलिए अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हरा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद इसमें हम लास्ट में हम इसमें थोड़े से खड़े धने डालेंगे, इससे भी स्वाद इसका बहुत बढ़ जाता है। उससे इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स आप चाहे तो चम्मच से करें, चाहे जैसा भी करना है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगी, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें टुकड़े छोटे छोटे सा भजिए जैसे इसे डाल देंगे। पकौड़े की तरह इसे हम सेक लेंगे। अब जब ये सिकने लगेगा तो हमें खुद ही समझ में आएगा, ये थोड़े से कुरकुरे कुरकुरे से होते जाएंगे, इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। हम सारे पकौड़े को हम ऐसे करके जब तक जितने तेल में डाल सकते हैं उतना डाल देंगे। ये देखिए इसका रंग चेंज हो चुका है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये अभी सिकने लगे हैं। जब इसका रंग थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए इसी तरह से ये अब हमारे इसका रंग अच्छे से चेंज हो चुका है, तो ये पूरे तरीके से सिक चुके हैं। अब हम इसे खाने के लिए एकदम रेडी हैं कि सिक चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी सारे और भी हम जितने भी हैं वो सारे हम इसको बन बाई बन करके सेक लेंगे। और देखिए ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना देखने में, ये खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। अब तो चाहे आप इसे चटनी के साथ खाएं, चाहे सॉस के साथ खाएं। और ये देखिए आवाज़ भी इसकी अच्छी आ रही है, तो इसे हम जैसा चाहें वैसे मर्जी से खा सकते हैं। चाहे इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। और बढ़िया से इसे खाइए, इसका मज़ा लीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।